92.7 बिग एफएम पर पर आप सुन रहे हैं कुछ पन्ने जिंदगी के और मैं हूँ मधुरिमा निगम और मेरे आज के खास मेहमान हैं सुप्रसिद्ध डायरेक्टर मधुर भंडारकर। चांदनी बार मैंने जब पहली बार देखा, पोस्टर देखा या मैंने फिल्म भी देखी, वो उस दौर की जितनी फिल्में थी उसमें से बहुत हटके, बहुत अलग। जैसे आप एग्जांपल्स दे रहे थे, श्याम बेनेगल जी की फिल्म हो या प्रकाश झा जी की फिल्म हो, ऐसे एक अलग जॉनर की फिल्म थी। तो एक नाकामयाब, एक फ्लॉप डायरेक्टर जब टब्बू जैसे एक बड़े एक्ट्रेस के पास जाए और ये सब्जेक्ट सुनाया, मतलब आपने पहली बार तो सब्जेक्ट सुनाया कैसे, फिर आपको वो उन्होंने हाँ कैसे किया, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फिल्म तो एक सेकेंडरी बात है, हाँ, वो इनिशियली ब्रेक, अचीव दैट ब्रेक इज आल्सो वेरी बिग। ब्रेक मिलना बड़ा ही मुश्किल था उस वक्त, क्योंकि मुझे लगा कि उस वक्त चांदनी बार के टाइम में, मुझे याद है मैंने जब ये इसका निर्णय लिया मैं फिल्म बनाऊंगा, तो कई लोगों ने मुझे कहा वो पागल हो गया है, बोल्ड सब्जेक्ट है, कोई हाथ नहीं लगा, कोई एक्टर काम करेगा नहीं तेरे साथ, ही वो एक्टर तो बड़ा मुश्किल होता है। जैसे मैंने कहा फ्लॉप होता तो आपको गिनती होती नहीं, कोई आपको गिनता ही नहीं है, आपको करियर में बड़ा ही मुश्किल होता है। तो एनीवे तब्बू को अच्छा लगा उस वक्त, मेरे प्रोड्यूसर आर मोहन साहब ने बिलीव किया मेरे में। तब्बू मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने उस वक्त एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा फिल्म मेकर के साथ काम किया जिसकी कोई गरिमा नहीं थी, और उसको सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा जब उसने सुना, और उसने तुरंत वही एक ही सिटिंग में जो उसने कहा कि आई एम डूइंग द फिल्म, और उसके बाद चांदनी बार बनने के बाद एक फ्राइडे आया। फ्राइडे से पहले मुझे, मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंस बताऊंगा आपको, कि जब चांदनी बार का पहला शो हो रहा था तो एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी बार बालाओं के लिए, थोड़ी सी इंडस्ट्री के लोग आए थे, मीडिया बहुत था क्योंकि बार बालाएं दिख रही थी, चांदनी बार सब्जेक्ट था, मधुर भंडारकर को तो कोई जानता ही नहीं था। तो सब ऐसे थे कि बाहर खड़े थे और पिक्चर अंदर चल रही थी, तो मैं पिक्चर शुरू होने से पहले जैसे कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर खड़ा होता है गेट पे रिसीव करने फ्रेंड्स को या अपने थोड़े चाहने वाले को, जो भी उसकी वेल विशर्ड है, तो मैं खड़ा था, तो मीडिया जो है या जितने लोग थे जो देखने आए थे थोड़े से, मैं सबको बता रहा था कि सर मैं डायरेक्टर बैठ, तो सबसे देखते हाँ हेलो हेलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और मीडिया के सामने भी मैं जा रहा था लेकिन कोई मेरा फोटो भी नहीं खींच रहा था। लेकिन उस वक्त वो शो कुछ दोपहर का था, 12:30 का शो था, और जब वो 3 बजे पिक्चर खत्म हुई और लोगों को लगा यार ये फिल्म मेकर कौन है, किसने फिल्म बनाई है, कितनी मैच्योर बनाई है, मुझे मैंने स्टैंडिंग ओवेशन मिला वहाँ पे, और मुझे खड़ा किया वहाँ पे कि भाई मधुर भंडारकर है, तब्बू जी वहाँ पे थी, एंड उस वक्त एक अलग ही माहौल था। और मैं बताऊंगा 2.5 और 3.25 घंटे का फर्क था नॉन एंट्री से एंटिटी बनना, ये जो मेरे ख्याल से मैंने देखा ना, पहचाने हुए, हाँ माने वहाँ के वहाँ पहचान, वहाँ के वहाँ, वहाँ के वहाँ आपकी जो है गणित जो है वो चेंज हो जाता है। जब मधुर भंडारकर की फिल्म चांदनी बार खत्म हुई और मधुर बाहर आए, तो मधुर भंडारकर की जिंदगी जैसे 360 डिग्री की टर्न ले चुकी थी। क्या हुआ था मधुर की जिंदगी में, ऐसा क्या हो गया? उसके बाद जो है वो वहाँ पे 3 घंटे के 3.25 घंटे के बाद लोगों ने बोला अरे क्या फिल्म मेकर है यार, कमाल है ये तो, ये वो। और जब मैं बाहर आया मैं मॉब हो गया वहाँ पे, मैं मॉब्ड हो गया, फोटोग्राफर खींच रहे, फोटोग्राफ इंटरव्यूज वाले इंटरव्यूज मांग रहे हैं। तो जब ये मेरे लिए ना, मेरे को काफ़ी एक कहीं ना कहीं जाके लगा यार, मैं अभी 2.5 घंटे पहले मैं इनसे हेलो बोल रहा था, कोई मेरे से बात भी नहीं कर रहा था, अभी 2.5 घंटे के बाद कैसे गणित चीज़ें, ये मैंने चीज़ें देखी है। और मैं आपको दूसरी चीज़ बताऊंगा कि मैंने ना बड़े बड़े से दिग्गज एक्टर्स एक्ट्रेसेस को जब उनका बुरा टाइम आता है, मैंने कहीं बार देखा है अवार्ड फंक्शन में सीनियर डायरेक्टर्स है या सीनियर एक्टर उनको पीछे बिठाया जाता है, बहुत गलत। तो मुझे याद है जब चांदनी बार का नॉमिनेशन हुआ था और बड़ी बड़ी फिल्में थी जिसमें लगान थी, गदर थी, दिल चाहता है थी, कभी खुशी कभी गम थी और चांदनी बार थी, तो मैं भी उस, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैं त्रिशक्ति फ्लॉप से एक ऐसे फिल्म में इतने बड़े बड़े दिग्गजों के साथ मैंने भी अपनी पहचान बनाई है। और मैं एक अवार्ड फंक्शन में था, मैंने बहुत बड़े सीनियर 50, 60, 70 के एक बहुत बड़े डायरेक्टर को मैंने देखा पीछे बैठे हुए हैं, तो मुझे लगा शायद वो गलती से बैठे हुए हैं। मैं उनके पास गया, मेरा दादा यहाँ क्यों बैठे हैं, हाँ मैंने बोला दादा यहाँ क्यों बैठे हुए, तो उसने बोला, उसने पास दिखाया मुझे, मुझे बोला मधुर मेरे को यही पास दिया है, और क्योंकि मेरा थोड़ा टेबल अलग था, मैं नॉमिनेशन में था,
तो उस व्यक्ति को मैं वहां से उठा के मेरे टेबल पे लाया, मैंने आप यहाँ बैठिए दादा। और थोड़ी देर के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यही फ्यूचर है, ये रियलिटी है। तो मुझे जैसे कहता ना कि आपको ना खुद पे रियलाइजेशन होना इस इंडस्ट्री में बहुत जरूरी होता है। मैं हमेशा लोगों को कहता, जितने युवा पीढ़ी आते हैं कि फिल्म क्या, लोगों को ऐसा लगता है चमक दमक देख के आते हो, ग्लैमर है, इसमें पैसा है, फेम है, लेकिन इसके पीछे मुखौटा है। हर बड़े से बड़ा स्टार, बड़े से बड़े एक्टर, कहीं ना कहीं अंदर दुख रहता है उनको, कहीं ना कहीं उनको इनसिक्योरिटी होती है। ज्यादा आप पोजीशन पर है तो ज्यादा इनसिक्योरिटी होती है। जितने ऊपर जाएंगे उतना ज्यादा एब्सोल्युटली आपको डर रहेगा कि किस हद तक हर जो व्यक्ति है, इस इंसान जो है इस बिजनेस में, शोबिज में स्ट्रगल करता है, उसकी स्ट्रगल का पैमाना अलग होगा, उसकी समीकरण अलग होगी, लेकिन उसका स्ट्रगल होता है। तो ये मैंने बड़े करीब से देखा है। तो मैंने भी रियलाइज किया कि भैया इंडस्ट्री जो है ये 4 दिन की है, आपको कब उठा के फेंक जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैंने कई चीजें सीखी है जिंदगी की लाइफ से, जिंदगी के पन्नों से, अपने लाइफ से, वीडियो कैसेट के द्वारा सीखी है, या मैंने खुद अपने संघर्ष में सीखी है, और जहीं कहीं ना कहीं आप देखते होंगे मेरी हर पिक्चर में रिफ्लेक्ट करता है। लोग जो है इस इंडस्ट्री में फिल्में बनाते हैं कहानियों को व्यक्त करने के लिए, कोई भी एक स्टोरी चलती है। मधुर एक ऐसा डायरेक्टर है जो एक टॉपिक पे फिल्म बनाता है और उस टॉपिक पे या इशू को कहानियों में पिरोता है। तो मेरे तरफ से ये पूछना, तो दिस इज फ्रॉम सोनू साइड, ही सेड, ये आइडिया कहाँ से उसके दिमाग में आया कि एक इशू को लेके कैसे उसको एक कहानी में पिरो के उसको अच्छी तरह से इतने रियलिटी के साथ पेश करता है। मुझे लगता है कि एज अ फिल्म मेकर, मैंने जैसे मैंने कहा कि मैं अभी भी कहूँगा कि मेरे में एक जर्नलिस्ट का स्ट्रीक है, कहीं ना कहीं जाके मेरे में एक जर्नलिस्ट छुपा हुआ है अंदर। जैसे कई लोग होते हैं आर्टिकल लिखते हैं, कहीं होते वो किताब लिखते हैं, कहीं ब्लॉग भी करते हैं, या कहीं टेलीविजन पे वो अपना एक द्वारा एक उनका एपिसोड दिखाते हैं। मधुर जो है वो फिल्म बनाता है। मुझे लगता है कि कैलेंडर गर्ल कैन बी अ बुक ऑल्सो, कैलेंडर गर्ल कैन बी आर्टिकल ऑल्सो, ट्रैफिक सिग्नल कैन बी अ बुक ऑल्सो, इट कैन बी आर्टिकल ऑल्सो। मधुर भंडारकर हैज मेड अ फिल्म ऑन इट। इतने सारे एस्टैब्लिश्ड हीरोइंस के साथ काम करने के बाद आपने कैलेंडर गर्ल्स नई लड़कियों के साथ क्यों बनाया? वो उसका रीजन इसलिए बनाया मैंने क्योंकि कैलेंडर गर्ल जो मंच होता है वो न्यू कमर्स का होता है। कैलेंडर गर्ल जो होता है वो न्यू कमर्स ही आती है उसमें, उसके बाद जाके वो स्टार बनती है, सुपर स्टार बनती है। और मैं आपको कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि मैंने चांदनी बार बनाई तब्बू के साथ, सत्ता बने रवीना के साथ, लेकिन मैंने पेशत्री बनाई वो भी न्यू कमर के साथ थी, जय कारला और कोंकणा सेन शर्मा थे उस वक्त, जिस कोंकणा सेन शर्मा की पहली फिल्म थी वो पेशत्री मुंबई में बॉलीवुड में। उसने से पहले एक इंग्लिश पिक्चर की थी मिस्टर मिसेज अय्यर और एक बंगाली पिक्चर की थी मेरे ख्याल से, तो मैंने उसको इंट्रोड्यूस किया। तो ये भूल जाते, मैंने ट्रैफिक सिग्नल बने कुणाल खेमू नीतू चंद्रा के साथ जो रिलेटिवली न्यू थे, एक एक पिक्चर किया था उन्होंने। मैंने प्रियंका के साथ फैशन बने, मैंने बिपाशा के साथ कॉर्पोरेट बनाई। ये डिपेंड करता है, मैंने पहले भी कहा कि मैं कॉन्सेप्ट बेचता हूँ, स्टार नहीं, लेकिन जहां मुझे लगता है स्टार है तो मैं डेफिनेटली अप्रोच करूंगा। अगर ये बैठ के सोचूंगा नहीं नहीं मैं कैलेंडर गर्ल जो है 5 टॉप एक्ट्रेसेस के साथ बनाऊंगा तो ये मेरा ये ख्याली बुला होता, क्योंकि ये होता ही नहीं। मैं हकीकत बोल रहा हूँ, मैं हकीकत ही बोलता हूँ। मुझे मैं इसमें ये नहीं कि नहीं नहीं मैं तो 5 बड़ी हीरोइनों के साथ बनाऊंगा। मैं सोचता हूँ 5 क्यों करेगी 5 लड़कियां एक पिक्चर जो है 5 लड़की से क्यों करेगी। वो बोली कि मधुर यार मेरे को सोलो फिल्म कर मेरे साथ, क्योंकि मैंने पहले किया है, तो हर हीरोइन ये चाहेगी और बराबर है। तो ये मैं आई विल बी इन फूल्स आइलैंड कि मैं सोचता नहीं मैं 5 बड़ी टॉप हीरोइन को लेकर बनाऊंगा, नहीं होता था। मैं चाहता था इसकी गरिमा, इसकी ऑथेंटिसिटी, इसका रियलिज्म जो है वो 5 न्यू कमर्स में है, कोई स्टार में नहीं। आपने नामचीन लोगों के साथ काम किया है और सब बोलते हैं कि मधुर इज अ वेरी पब्लिक पर्सन, मतलब मैं भी बोलती हूँ आपको, मैंने इतनी बार में मिली हूँ, आप बहुत अच्छी तरह से हर इंसान से मिलते हैं, सब करते हैं, और इस वजह से कई बार उस चीज को कोई गलत तरीके से ले लेता है, जिस वजह से एक बहुत बड़ा किस्सा भी बना था जिसकी वजह से आप एक I don't want to get into that detail. वो पुरानी बात, वो गड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत नहीं है, पर मेरा ये पूछना है कि आपका जो एक दौर था जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, ये एक दूसरा दौर आया जब आपको दोबारा एक नए तरह से स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि जितनी आपने अपनी क्रेडिबिलिटी क्रिएट की थी वो एक हादसे से रातों रात जैसे एकदम गिर के खत्म हो गया। जो लोग आपके साथ काम करना चाहते थे वो भी अब ऐसे हो गए कि अच्छा मतलब नो। देखिए क्या है कि मैं जिस तरह का व्यक्ति हूँ, मेरे व्यक्ति का संबंध काफी लोगों से सबसे अच्छे है, और जब इस तरह का प्रकार होता है जिंदगी में, मेरे ख्याल से
आपकी परीक्षा अपने आप से होती है। आपकी परीक्षा होती कि आप कितना डटोगे, कितना लड़ोगे, कितने आप में क्षमता है आपको स्टैंड लेने के लिए, वो जरूरी था। और मेरे लिए मैं कहूँगा, मैं मीडिया का भी शुक्रगुजार हूँ, कहीं लोग, कहीं ऐसे व्यक्ति हमेशा मेरे लिए खड़े रहे और जब एंड रिजल्ट आया सबको पता चला क्या हो गया उसका। तो मेरे ख्याल से कभी कभी क्या होता है कि एक परीक्षा होती है इंसान की लाइफ में, बहुतों की लाइफ में आती है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, कभी भी नहीं सोचना कि लाइफ में अरे मेरा ये सब सही होगा। कभी भी आपदा आ सकती है आप पे, किसी भी सूरत में, वो पर्सनल हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे कुछ हादसे के तौर पे, ये कभी भी हो सकता है। और जिस तरह मैंने अपना संघर्ष किया है, जिस तरह फिल्म को लेकर, जैसे मेरा पहली पिक्चर नहीं चली उसके बाद जो मैंने संघर्ष किया है, मैं आज भी जब मैं अपने आप को, लोग कहते हैं मधुर जी अरे आपने इतने नेशनल अवार्ड्स ले लिए, आप ऐसे फिल्म मेकर हो जिसको आपको केवल बॉक्स ऑफिस सक्सेस भी मिलता है, नेशनल अवार्ड भी मिलता है, समीक्षकों का सपोर्ट भी मिलता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब तक मैं अपनी फिल्में ऑनेस्टी से बनाता हूँ, इंटीग्रिटी से बनाता हूँ, वो सही है। मैं ना कोई किसी कैंप पे बिलीव करता हूँ, ना मैं कोई हीरो मेरा दोस्त है, ना मैं कोई किसी के साथ अपना, जैसे होता है ना, जैसे एक खुद की पोजीशन मैंने बनाई है। मैं खुश हूँ अपनी दुनिया में, क्योंकि मेरे मीन्स कम है। हम फैमिली जो है, हमारे घर वाले, हम जो है, हमारा जैसे मिडिल क्लास है, हम अपने ही जैसे कहते चादर में फैल फैलाते वाली बात है कि हम नहीं चाहते कि नहीं यार हमको आज यहाँ जाना है, हमको वहाँ जाना है। मैं खुश हूँ। अल्टीमेटली एक इंसान को जिंदगी जीने के लिए कितना पैसा चाहिए होता है, पैसे का अंत नहीं होता, सक्सेस का अंत नहीं होता, लेकिन मैं खुश हूँ अपनी दुनिया में। जैसे इंग्लिश में कहावत है, बेटर टू बी किंग ऑफ हेल देन बीइंग अ स्लेव इन अ हेवन। थैंक यू मधुरिमा जी, इट वॉज लवली चैटिंग विद यू। बहुत मजा आया। सपने सब देखते हैं, पर उन्हें साकार करना और उन्हें जीना बहुत कम किस्मत वालों के नसीब में होता है। ऐसे ही किरदार और उनसे जुड़ी पन्नों को लेकर आऊंगी मैं मधुरिमा निगम अगले रविवार रात 9 बजे ओनली ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के और 92.7 बिग FM।